मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम पहले भी बताते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए, और आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। 2020 में अधिक मास की घटना घटित हो रही है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जिसे मल्ल मास भी कहा जाता है, प्रत्येक तीसरे वर्ष में ये अधिक मास की घटना घटित होती है। अधिक मास की घटना के पीछे हमारे हिंदू पंचांग और अंग्रेजी कैलेंडर के दिनों की संख्या की जो भिन्नता है वो उत्तरदायी होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर साल में कुल 365 दिन होते हैं, जबकि हिंदू पंचांग की हम गणना करें तो हिंदू पंचांग के आधार पर जो तिथियों की गणना है, उन तिथियों की गणना के आधार पर कुल 354 दिन होते हैं, 354, यानी 11 दिनों का अंतराल अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदू पंचांग के गणनाओं में आता है। ये 11 दिन जब एक साल में घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो 3 वर्ष में पूरे 1 महीने की अवधि हिंदू पंचांग के आधार पर 13वां महीना, जिसे हम अधिक मास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं या मल्ल मास कहते हैं, ये घटित होती है। अर्थात 11 दिनों को जोड़ा जाए तो कुल लगभग 33 दिन, यानी 1 महीना हमारे हिंदू पंचांग के आधार पर जो बढ़ जाता है, उस महीने को ही हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की संज्ञा प्रदान करते हैं। भारतीय धर्म में इस महीने के अधिपति भगवान विष्णु जी होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके अधिपति भगवान विष्णु जी, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है, वो इस महीने के स्वामी माने जाते हैं। इस वर्ष आश्विन यानी क्वार के महीने में अधिक मास की घटना घटित हो रही है। दर्शकों को यह मैं बतलाना चाहूंगा कि आश्विन के 2 महीने इस वर्ष पड़ रहे हैं। 2020 में आश्विन के महीने की शुरुआत, जो क्वार का महीना या आश्विन का महीना है, ये 2 सितंबर से आरंभ होगा। आश्विन के महीने में ही पितृ पक्ष की घटना घटित होती है। आश्विन कृष्ण पक्ष की अवधि को हम पितृ पक्ष की अवधि के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। सन 2020 में 2 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक ये अवधि पितृपक्ष की रहेगी। आश्विन के महीने की शुरुआत 2 सितंबर से हो रही है और आश्विन कृष्ण पक्ष के संपूर्ण 15 दिन की अवधि में पितृपक्ष का पर्व जो है ये संपन्न होगा। 17 सितंबर को पितृमोक्ष अमावस्या की घटना घटित होगी और 18 सितंबर से अधिक मास की शुरुआत होगी।
यानी आश्विन के महीने के जो 60 दिन हैं, उनमें 15 दिन कृष्ण पक्ष के व्यतीत हो जाने के उपरांत अधिक मास की 30 दिनों की अवधि बीच में आएगी और ये अवधि 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक रहेगी। यानी 2020 का जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है, ये 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक रहेगा। 16 अक्टूबर को अधिक मास की समाप्ति होगी और 17 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होगी, यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या जिसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, ये 17 अक्टूबर से आरंभ होगी। 25 अक्टूबर को दुर्गा नवमी का पर्व मनाया जाएगा और 26 अक्टूबर को दशहरा का पर्व संपन्न होगा और 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व संपन्न होगा। यदि गणनाओं की हम चर्चा करें तो जो अधिक मास की अवधि है, ये 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक रहेगी। 17 अक्टूबर से नवरात्र और 25 अक्टूबर को दुर्गा नवमी का पर्व, 26 अक्टूबर को दशहरा का पर्व, इस वर्ष दीपावली का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। 2020 के पहले 2017 में भी अधिक मास पड़ा था, यानी 2017 के 3 वर्ष उपरांत अर्थात 2020 में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का पड़ना संभव हो रहा है। इस अधिक मास की घटना के कारण भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कुछ प्रभावित हो रहा है। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा, परंतु 12 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तो रहेगी, लेकिन सूर्य भगवान अपने स्वराशि सिंह में नहीं रहेंगे। 12 अगस्त को संपन्न होने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी में चंद्रमा यद्यपि अपने उच्च वृषभ राशि में रहेगा, परंतु सूर्य भगवान सिंह राशि में गोचर नहीं करेंगे। सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश 17 अगस्त के उपरांत हो रहा है। अधिक मास की घटना के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी कुछ पहले पड़ रही है और तिथियों के उलझन में फिर से इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 12 और 13 अगस्त दोनों दिन संपन्न होगा। 12 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तो रहेगी, परंतु 12 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। 13 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र रहेगा, परंतु भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं रहेगी। यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 और 13 अगस्त दो दिन पड़ेगी, परंतु जैसा कि पहले के वर्षों में होता रहा है कि जब सूर्य देव अपने सिंह राशि में रहें, चंद्रमा अपने उच्च वृषभ राशि में रहे, भाद्रपद का महीना हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो और रोहिणी नक्षत्र हो, तभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना उचित रहता है। इस वर्ष शायद श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस संयोग में संपन्न नहीं हो पाएगी। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के पड़ने के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व तो प्रभावित हो रहा है, साथ ही साथ और भी पर्व आगे पीछे की स्थिति में घटित हो रहे हैं।
अधिक मास इसके उपरांत 2023 में फिर से तीसरे वर्ष यानी 3 वर्ष बाद पड़ेगा और वो एक नए रूप को लेकर के आएगा। ज्योतिष शास्त्री मान्यताओं को यदि देखा जाए तो ये महीना शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, इसे मल्ल मास भी कहते हैं। विवाह, ग्रह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवधि में यानी पुरुषोत्तम मास में ईश्वर के भजन, कीर्तन, उपासना, पूजा पाठ, जप तप, हवन में ज्यादा समय दिया जाए तो वो लाभकारी होता है। पुरुषोत्तम मास ईश्वर की आराधना के लिए समर्पित है और सदा इस महीने में भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है या हम यदि कोई अनुष्ठान या कर्मकांडीय पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषोत्तम मास की अवधि श्रेष्ठ होती है। इस अवधि में आप भी अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर अपने इष्ट या अपने आराध्य की कृपा हासिल कर सकते। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। अगले प्रसारण और अगली चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।